नीम गिलोय का काढ़ा सवेरे उठते ही पिए एक बार, अगर बहुत ज़्यादा हावी हैवी है बॉडी तो 3-4 बार काढ़ा पिए। अजवाइन का पानी 2 चम्मच अजवाइन उबाल करके 1.5 गिलास पानी में, 2 गिलास पानी में, 1 गिलास रह जाए उबलता उबलता पौना गिलास अंदाज से, रात को सोते समय उसको पी ले तो अस्थमा का अटैक रात को नहीं आएगा, इनहेलर नहीं लेना पड़ेगा। रात को कुछ मुनक्का भिगो करके, अगर डायबिटीज नहीं है तो सवेरे किसी भी टाइम 10-15-20 मुनक्का शरीर के अनुसार किसी भी समय भोजन में खानी हो तो भोजन की जगह उसको खा लें, किसी की चीज़ का मिक्स करके ना खाएं, मुनक्का के बीज भी चबा चबा के खा लें। वो अस्थमा के अंदर में जितनी बलगम है उसको सारी को उचेड़ देती है, उसके अंदर थोड़ी गर्म भी होती है और खाते ही तुरंत उनको रिलीफ मिलेगा, जैसे इनहेलर लेने से मिलता है ऐसे ही उनसे तुरंत आराम मिल जाएगा उनको, जो है कोई दवाई या किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी दवाई को छोड़ने से। ये कर सकते, अगर अजवाइन का पानी भी पीने में नहीं है तो अजवाइन उबाल करके पतीले में, जब उसकी स्टीम ऊपर निकल रही हो तो बैठ करके बीच में चारों ओर कपड़े से ढक लीजिए अपने आप को चद्दर के साथ, ऐसे पतीला आगे रख लीजिए, उस पतीले में से भाप निकलेगी स्टीम, उस स्टीम को गहरे लंबे सांस ऐसे करके लीजिए 10-15-20 बार, 10-15 मिनट जब तक स्टीम आ रही है, आप देखेंगे कि स्टीम लेते ही आपका वो सांस आराम से आना शुरू हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा और आपको कोई भी इनहेलर दवाई नहीं खानी पड़ेगी। जो इनहेलर लेते हैं उसमें भी एक कैप्सूल होता है, जहरीली दवाई होती है, वो अंदर जाके आपके फेफड़ों को गड़ाती है, कमज़ोर करती है। इनहेलर से जितनी जल्दी हो सकता बचे।